विघ्नहर्ता गणेश सदैव सभी की समस्याओं को दूर करते हैं और उन्हें बुद्धि शक्ति का वरदान देते हैं, तभी तो हर जगह पे उन्हें सर्वप्रथम पूजा जाता है। तो बुद्धि के दाता विघ्नहर्ता गणेश का बड़ा ही मनमोहक मंदिर है जबलपुर के गंजीपुरा मार्केट में। इस मंदिर में आपको नागपुर से लाई हुई मिट्टी की मूर्ति मिल जाएगी, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही चमत्कारिक मूर्ति है। पुजारी जी से बातचीत के दौरान रहस्य पता चला कि इस स्थान पर गणेश जी की स्थापना की जाती थी और हर वर्ष उन्हें विसर्जित भी किया जाता था, परंतु जबलपुर के व्यापारी संघ ने एक बार नागपुर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आए और वो मिट्टी से यहाँ पर गणेश जी की स्थापना कर दी। फिर जब विसर्जन के लिए ले जाने लगे तो गणेश जी उठ ही नहीं रहे थे। तब उन लोगों ने ठान लिया कि गणेश जी की एक बड़ी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कराएंगे। तब से ही गणेश जी का ये विशाल मंदिर जबलपुर के गंजीपुरा मार्केट में स्थापित। गणेश जी की इस मनमोहक प्रतिमा के पीछे शेषनाग भी उपस्थित हैं, जो उनकी हर वक्त रक्षा करते रहते हैं। साथ ही इस मंदिर में भोलेनाथ, देवी मैया और साईं बाबा भी विराजित हैं। पुजारी जी का कहना था कि इस मंदिर में दर्शन करने जो भी आता है, प्रभु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और गणेशों के समय तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, सड़कें जाम हो जाती हैं। विघ्नहर्ता गणेश के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से, देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कृपालु, बहुत ही दयालु गौरी नंदन टेकरी वाले भगवान गणेश जी हैं। मेन रोड गंजीपुरा कहलाता है, यहाँ फिर शेषनाग गणेश मंदिर भी कहते हैं। मैं सन 2017 से यहाँ सेवा में आया हूँ। यहाँ के कुछ वर्षों द्वारा सुना गया था कि आज 27 वर्षों के पहले यहाँ तरह तरह से हर साल कभी फलों द्वारा, कभी सिक्कों द्वारा, कभी इस रूप में, कभी उस रूप में, कभी गोबर के द्वारा गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती थी। फिर एक बार यहाँ के भक्तों ने विचार किया कि अपन नागपुर वाले टेकरी वाले गणेश जी रखें। तो यहाँ के भक्त नागपुर गए, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लाए, यहाँ पर कलाकार को बुलाया गया और उस कलाकार से उस मिट्टी को यहाँ की मिट्टी में मिलाकर के ये प्रतिमा बनाई गई। पश्चात विसर्जन के समय नलसंगत में भक्तों ने खूब जोर लगाया, उठे नहीं, ट्रेन मंगाई गई, ट्रेन से भी नहीं उठे, तो ऐसा लगा कि प्रभु यहीं बैठना चाहते हैं, इसलिए विराजमान कर दिए गए। फिर कलाकार को बुलाया गया, ऊपर से वाइट सीमेंट के द्वारा इनकी पूरी प्रतिमा बन गई। जब से ये मनोवांछित फल देते हैं, यदि आप हृदय से सच्चे मन से एक जैसौन का फूल, नारियल हाथ में लेकर के मन से कुछ भी मांगते हैं, तो ये जरूर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाहर से भी लोग भाग आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं, और गणेशों में तो यहाँ मेला जैसा ही लगा रहता है। और भक्तों पर, अपने बच्चों पर, आपके ऊपर, हमारी ऊपर इनकी बड़ी कृपा है।